दिल्ली में हुई गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग कर बरेली मुख्यालय का नाम रोशन करने वाले बरेली मुख्यालय के एनसीसी कैडेटों को मंगलवार को ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राम प्रताप सिंह ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वाले कैडेटों में 21वीं वाहिनी एनसीसी बरेली के सीनियर अंडर ऑफिसर आशीष कुमार, अंडर ऑफिसर यशिका शर्मा एवं अंडर ऑफिसर करिश्मा चौहान, 23वीं वाहिनी मुरादाबाद के कैडेट कपिल कुमार, नवी बालिका वाहिनी मुरादाबाद के सीनियर अंडर ऑफिसर रति चौधरी एवं 30वीं वाहिनी बिजनौर के सीनियर अंडर ऑफिसर कार्तिक शर्मा तथा देवांश शर्मा रहे। इस अवसर पर ब्रिगेडियर राम प्रताप सिंह ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में मार्च पास करने का अवसर कड़ी प्रशिक्षण के बाद प्रतिभाशाली एवं भाग्यशाली एनसीसी कैडेटों को ही मिल पाता है। भाग्य की बहादुरों का ही साथ देता है। बरेली ग्रुप के कैडेटों ने गणतंत्र दिवस परेड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कैडेटों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि मैं आपको भारतीय सेना के अधिकारी के रूप में देखना चाहता हूं। पहले हम लोगों ने आरडीसी कैंप हाल ही में किया, जो कि 26 जनवरी को परेड होती है, जिसमें देश भर से युवा आके पार्टिसिपेट करते हैं और कर्तव्य पथ पर मार्च करते हैं, जिसका पहले नाम राजपथ था। इसमें कई कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कल्चरल ड्रिल। इन सभी को मिला के एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जो कि एनसीसी के द्वारा छठे हुए देश भर से करीब एनसीसी की संख्या है 14 लाख, जिसमें करीब अप्रोक्स 1700 के करीब कैडेट छटके गए। अभी हाल ही में दिल्ली में एनसीसी की तरफ से आरडीसी का कैंप का समापन हुआ है। उस कैंप में बरेली ग्रुप से बहुत से बच्चों ने हिस्सा लिया है, जो कि बहुत ही खुशी का और गौरवशाली बात है और इसके लिए हम सभी खुश हैं। इसी के लिए जिन जिन बच्चों ने बरेली ग्रुप की तरफ से एनसीसी के आरडीसी कैंप में हिस्सा लिया है, उनकी प्रोत्साहना के लिए हमने आज ये इकट्ठे हुए हैं। मैंने आरडीसी कैंप में प्रतिभाग किया था, जो 26 जनवरी परेड के लिए होता है, जिसमें हम एनसीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बरेली ग्रुप से हम सभी 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उनमें से मैंने कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी पर परेड की थी। क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? सभी के लिए सबसे पहले तो मैं एनसीसी कैडेट्स के लिए ही ये कहना चाहूँगी कि किसी भी एनसीसी कैडेट के लिए आरडीसी कैंप करना एक सपने की तरह हो।